हेलो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप आगे कुछ ठोकर लगेगी तो आप बच जाओगे। जैसा कि मैं बता दूँ, धनी ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने भी धनी एप्लीकेशन यूज़ किया। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूँ, जो ओल्ड है, जिन्होंने ले लिया और फंस चुके हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों इससे कैसे आज़ाद हो। आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, और आप उसको डीएक्टिवेट करेंगे तो वो लोग बोलेंगे पहले पैसे बंद दो, उसके बाद हम डीएक्टिवेट करेंगे। और जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए तो मैं पहले बोलूँगा, आप धनी प्ले स्टोर में सर्च भी मत करिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो में मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको धनी ऐप में लेकर चलता हूँ। तो धनी ऐप कहाँ पर है? मिल जा मिल जा, यहाँ पर सर्च करते यार, कभी मुझे ऐप ही नहीं मिला धनी। देखिए दोस्तों, मैं धनी खोल लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, धनी ऐप खोलने के बाद यहाँ पर वन फ्रीडम क्रेडिट है मेरा, तो मैं यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है मुझे लॉगिन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर न्यू डिजिट पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरे नंबर पे ओटीपी आएगा, जो मैंने पासवर्ड लगाया था उसको रिसेट किया। उसके बाद यहाँ से फिर से वही पासवर्ड मारना होगा जो अभी आपने सेट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3801 रुपीस मेरा लिमिट है, यानी मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मेरा लिमिट आ चुका है। यहाँ पे मेरा कार्ड इनएक्टिव है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिव करने के लिए जब क्लिक करूँगा, देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पर 2,250 रुपये मैंने इसको देना है। दोस्तों मैंने इतनी पेमेंट ली ही नहीं, मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ लिया था। 500 रुपीज़ लेने पर मुझे सिर्फ 4 मंथ के अंदर इतना चार्जेस डाल दिए वो लोग। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखिए दोस्तों, 4 महीने में 250 250 250, और मैंने 199 ऑलरेडी पेड भी किया है, यानी 750 ये लोग डाल दिए। और यहाँ पर आपको चार्जेस भी लगाए दोस्तों, और मैंने नोएडा यूपीआई यानी पेटीएम से मैंने 298 रुपीज़ मैंने लिया ही नहीं दोस्तों। जब मैं इनको कॉल करता हूँ तो ये लोग, इनका फ़ोन नहीं लगता, और मुझे कंपनी की तरफ से फ़ोन आते हैं कि आप बंद हो, हम आपको लिंक शेयर करेंगे। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर मैं बनूंगा भी तो मैं कंपनी को यहाँ से ऑप्शन पे करूँगा, तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको लिंक देंगे, उस पर पे कर दीजिए सर, ऐसा वैसा बदतमीजी से बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना चार्जेस डाले, 27 24 20, यानी 500 को इतना चार्जेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक बार 50 रुपीज़ पे किया। दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आप नए नए हो इसमें तो आपको वो क्या करता है, जब आप अगर 500 की लिमिट होती है तो आपको 500 उसका विड्रॉ करने का एक अलग प्रोसेस है। आप सिर्फ इससे कुछ खरीद पाओगे दोस्तों, आप ना ही कैश ले पाओगे ना कुछ कर पाओगे, सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों हमें सामान नहीं चाहिए तो मैं एक अलग तरीके से इमरजेंसी में 500 रुपीज़ निकाला था पेटीएम के थ्रू, तो वही 2-3 बार मुझे शो कर दिया। इसकी ग्लिच भी बहुत हो रही है दोस्तों। दोस्तों मैंने 500 निकाला, उसमें उसको 100 रुपीज़ देना पड़ा मुझे। 100 रुपीज़ देने के बाद 500 मेरे विड्रॉ, यानी 400 रुपीज़ मेरे हाथ में है। और वो आने के बाद 400 आने के बाद 250 250 250 करते करते मुझे देखे यहाँ पे 2,237 रुपीज़ ये मेरा ड्यू हो चुका है दोस्तों। तो मैं इसको नहीं बनने वाला, वो लोग फ़ोन करने दीजिए उनको, मैं तो नहीं बनने वाला दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका भी 2,000 2,500 के ऊपर है तो आप मत बनना दोस्तों। अगर आपका 1,500 1,500 ऐसा है तो बन दो और उनको कॉल करो दोस्तों। यहाँ पर आपको इनका
इनका कस्टमर केयर नंबर भी मिलेगा दोस्तों। हाँ एक बात याद रखिए, यहाँ पे कार्ड में आने के बाद यहाँ पर इसको ऑन मत रखना दोस्तों, बहुत चार्जेस काटेंगे ये लोग। ऑन में मत रखना, इसको ऑफ में रखना, कभी भी हो आपको इसको ऑफ में रखना है। ऑफ में रखने के बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा कार्ड है, यहाँ पर ये बहुत लूटते हैं दोस्तों आपका, कभी इस धनी ऐप को इंस्टॉल मत करना दोस्तों। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कभी अगर आपका 1500 रुपीज़ है तो आप जल्द से जल्द पे करो और कस्टमर केयर को फ़ोन करो, बोलो कि हमें डीएक्टिवेट कराना है, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो बोलेंगे नहीं डीएक्टिवेट नहीं होता तो एक आप एक FIR लिखा दो, ये बहुत स्कैम हो रहा है वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड धनी का। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप जल्द से जल्द बनाओ और डीएक्टिवेट करा लो, इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं भी देखता हूँ, अगर बनना है तो मैं भी इसको बंदूंगा, क्योंकि ये बहुत स्कैम कर रहा है धनी। मैं ये नहीं जानता कि कंपनी की तरफ से या इसके ऊपर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ के ये कारनामे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि धनी आप मत लेना,